केवल एक चीज, यदि आप मुख में रखकर अपने घर से बाहर निकलते हैं, तब मेरे भाइयों, आज की वीडियो भाइयों के लिए, बहनों के लिए नहीं, यह उपाय केवल पुरुषों के लिए जो कहते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करती। जो भाई कहते हैं मुझसे कि दीदी कोई उपाय बताइए, कोई महिला मित्र नहीं है मेरी, कोई लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। कुछ मेरे भाइयों ने तो लिखा है कि मेरी खुद की पत्नी ही मुझसे खुश नहीं रहती है, वो इम्प्रेस नहीं कर पाता हूँ मैं उसे, वो अपना इंटरेस्ट कहीं भी दिखाती है, यहाँ तक कि वो अपने रिश्तेदारों को फोन करके बातें करके अपना समय बिताती है, परंतु उसकी कोई दिलचस्पी मुझ में नहीं है। तो अद्भुत बात है, एक पुरुष और एक महिला में प्रेम होना ही चाहिए जब वो पति और पत्नी हो गए हो। बिल्कुल, आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत है, फिर क्या जरूरत है टाइम को पास करने की। फिर भी मेरे भाई, मेरे पुरुष भाई, बहुत लोग लिख रहे हैं मुझे कि दीदी यह प्रयोग बताइए ऐसा कि हम किसी को अट्रैक्ट कर सकें। महिलाओं को तो मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, आज का यह प्रयोग केवल भाइयों के लिए, महिला ना करे यह प्रयोग, महिला के लिए फिर बताऊंगी। मेरे भाइयों, यदि प्रेमिका चाहिए आपको, पत्नी का प्यार चाहिए आपको, महिला मित्र चाहिए, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं खुद की ओर, आप चाहते हैं कि आप जिधर से गुजरे हर हाल में महिलाएं मुड़कर देखने के लिए विवश हो जाए आपको, आप उसमें चर्चा करें आपकी, आपकी पर्सनालिटी की, आपकी बातों की। यदि महिला बॉस है आपकी और आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते अपने काम से, कितना भी आप अच्छा से अच्छा काम ऑफिस में कर रहे हैं, परंतु वो महिला है, चाहे कितनी भी उम्र की हो, जो बॉस है वो महिला है, इसके कारण वह आपसे बिल्कुल ही खिन्न रहती है। कोई कहता है कि अधिक उम्र है उस महिला की इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है, कारण कुछ भी हो, वह महिला जो बॉस है आपकी, वह भी अट्रैक्ट होगी आपके काम से, इतनी प्रसन्न होगी कि आपको प्रमोशन देगी। यदि आपकी पत्नी है आपके घर में और अटेंशन नहीं दे रही है वो आपको, आप यह प्रयोग एक बार कर लें, आगे पीछे घूमेगी आपकी, वो दीवानी हो जाएगी आपकी। यदि कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि सभी मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इम्प्रेशन आप जमा नहीं पा रहे हैं लड़कियों पर, तब यह प्रयोग आप करें, लड़कियों की मंडली में खलबली मच जाएगी, आपकी चर्चा इतनी होगी। छोटा सा प्रयोग, बस एक चीज यदि मुख पर आप रख कर घर से बाहर निकलते हैं, तो यह प्रयोग आपके जीवन को कायाकल्प न कर दे, तो कह लीजिए, जान लीजिए व्यर्थ प्रथम मैं कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपके लिखे अक्षरों से भी आपका दुख पढ़ लेती हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है, मेरी प्रेमिका मुझसे रूठ गई है, मेरे और मेरी प्रेमिका के बीच कोई अन्य आ गया है और वो ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है मेरी प्रेमिका को, तो मुझे डर ये है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। किसी की शादी की डेट तय हो गई है और लड़की अभी भी इनकार कर रही है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कर शादी करके मैं फंस ना जाऊं, तुम में अभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही है यदि तुम्हारी होने वाली पत्नी, तब करे यह प्रयोग। तुम क्या कहोगे इस सामने से अट्रैक्शन, आपका अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा, सामने से अट्रैक्ट होकर आएगी, हर महिला मित्र आपसे जुड़ना चाहेगी। ध्यान से सुनिए, किस दिन करना है यह प्रयोग, कैसे करना है, किस मंत्र का जप करना है, बड़ा सरल है। यदि इस चीज को आप मुंह में रखकर घर से बाहर निकलते हैं और कंटिन्यू 21 दिनों तक ऐसा कर पाते हैं आप, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। मित्रों, यह प्रयोग बुधवार से प्रारंभ करना है आपको, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से, कोई भी बुधवार हो। सफाई का बहुत ध्यान रखें, जो वस्त्र पहने इन 21 दिनों में आप हर दिन धोया हुआ कपड़ा पहने, कोई भी शरीर से उतारा हुआ कपड़ा दूसरी बार ना पहने, हर दिन धोया हुआ कपड़ा ही पहने, हर दिन स्नान करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें 21 दिनों तक,
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप ब्रह्मांड से किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं ताकि आपके भीतर की ऊर्जा इतनी बढ़े कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए। तो शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, विश्वास रखें खुद पर, अपना मनोबल इन 21 दिनों में बहुत बढ़ाकर रखें। मेरा गुरु बहुत मजबूत है, मेरा शुक्र बहुत मजबूत है, हमेशा इस तरह से सोचें। 21 दिनों तक आपको परफ्यूम का प्रयोग करना है, हर दिन स्नान करके इत्र परफ्यूम अवश्य लगाएं, बिल्कुल खुशबूदार रहें, शुक्र को बहुत तीव्र रखें। 108 पीस आपको हरी इलायची लेनी है, 108 पीस हरी इलायची, सबको खोलकर उसके दाने निकाल लें, किसी एक जगह पर सबको खोलकर 108 पीस इलायची के दाने निकाल लें, छिलके हटा दें, उसका प्रयोग ना करें, वो तो हरा में ही गिनती होते हैं। 108 पीस इलायची के जो भी दाने निकलते हैं उसको 21 भाग में आप रख दें, या तो 21 कुड़िये में बांध दें अलग अलग, क्योंकि हर दिन आपको उसके कुछ दाने लेने हैं, तो 21 भाग में बांट दें। बराबर भाग में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं, इतनी मेहनत ना करें, उसके दानों को गिनने की आवश्यकता नहीं, 21 अलग अलग कागज की पुड़िये में आप बांध दें, क्योंकि प्रतिदिन एक पुड़िये का इस्तेमाल आपको करना है। एक मंत्र बता रही हूं, मोहिनी मंत्र है, किसी को मोह लेने की। अभी तो आप किसी का नाम जानते नहीं है, स्पेशल किसी व्यक्ति को आपको वश में करना ही नहीं है। ओम मोहिनी महामोहिनी वश्यम कुरु स्वाहा, सिंपल सा मंत्र, छोटा सा मंत्र। इस मंत्र को बोलकर चुटकी में एक दिन की पुड़िया में जो भी इलायची के दाने उठाकर अपनी जिह्वा पर रखें, स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, नाश्ता करने के बाद जिह्वा पर रखकर ही प्रथम आप घर से अपना दाहिना कदम बाहर निकालें। इस मंत्र को 108 बार नित्य जपे, जब स्नान करके आप पूजा करने बैठे तो कोई अन्य पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, पूजा घर में बैठकर या अपने बेडरूम में बैठकर इस मंत्र को 108 बार जप लें। मोहित करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका ऑरा इतना बढ़ेगा कि आप जिधर से गुजरेंगे, आप जो बात बोलेंगे, महिलाएं इतनी अट्रैक्ट होंगी, महिला की जो राशि होती है उसी को आप खींच सकेंगे, पुरुष को नहीं खींच पाएंगे। यह प्रयोग ही महिला मित्र के लिए है, लड़कियां इम्प्रेस होगी, हर कोई आपसे बात करने को तरसेगी, हर कोई आपसे मित्रता करना चाहेगी, पत्नी दीवानी हो जाएगी आपकी। 21 दिनों तक लगातार हर एक पुड़िये का इलायची को आप अपनी जिह्वा पर रखकर ही बाहर निकलें, मिनिमम 4 से 6 घंटे तक इसे खा न ले अपनी जुबान पर अवश्य रखें, उसके बाद ही या तो इसे फेंक दें, खाने का मन हो तो खा ले, इलायची है। हर दिन इस मंत्र का 21 दिनों तक जप करें, शुद्धता का पवित्रता का बहुत ध्यान रखें, साफ रखें, मन को शांत रखें, और कोई गलत विचार मन में ना लाएं, किसी की प्रेमिका को छीन लेना है, किसी की पत्नी को छीन लेना है, मैं 4, 8, 10 लड़कियों को अपने आगे पीछे घुमाऊंगा, इस तरह की गलत बातों को अपने मस्तिष्क में ना लाएं, यह प्रयोग कार्य नहीं करेगा मेरे भाइयों। बहुत साफ मन से, शुद्ध मन से, बहुत अच्छे पवित्र मन से यह प्रयोग करें और देखें कैसे महिलाएं अट्रैक्ट होती हैं आपकी, और अवश्य करें यह प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। बस मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।